वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया शर्मा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नई रेसिपी हमारे किचन से, जो आप भी देखिए और इस रेसिपी को एंजॉय करें। और प्लीज मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने देखिए झींगा साफ करके क्लीन करके लिया, काफ़ी अच्छे से साफ कर लिया। इसमें एक रेशेदार होता है जो पतला सा धागा निकलता है, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर कट कर लिए, अदरक लहसुन हरी मिर्ची ले लिया, और यहाँ पे तड़के के लिए मैंने तेज पत्ता लाल मिर्ची जीरा लवंग और दालचीनी लिया, और यहाँ पे दो मीडियम साइज का प्याज कट कर लिया। अब इनको मैं ग्राइंड कर दूँगी और इसमें नमक और हल्दी लगा के इसको मैं फ्राई करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने इसमें हल्दी और नमक लगा दिया है, और इधर मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। फटाफट इसको मैं फ्राई कर लूँगी। हाफ करके दो पार्ट में डिवाइड करके हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने ये अनियन पीस लिया है, इधर लहसुन अदरक और हरी मिर्ची है, इधर मैंने टमाटर की प्यूरी रेडी कर ली है, और यहाँ पे मैंने थोड़े कटे हुए अनियन लिए हैं, और यहाँ पे हमारा जीरा फ्राई हो रहा है। इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, ताकि जल्दी से पानी छोड़ दे। आज क्या है, हमारे घर पर गेस्ट आए हुए हैं, तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में हूँ, तो फटाफट हम इसे रेडी करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, तो झींगे से पानी छोड़ दिया है, थोड़ा और हम भून देंगे ताकि अच्छे से टेस्टी लगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने झींगा आधा फ्राई करके मैंने निकाल लिया। अब इसमें बचे हुए ऑयल में जो हमारा बचा हुआ झींगा था, हम उसको ऐड करके इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा झींगा देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए थोड़ा सा जलने ही लगा, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसमें दोस्तों जो देख रहे हैं ना, साइड साइड में थोड़ा झींगा पकड़ लिया है चिपका, उसे हम छुड़ा लेंगे। अदरवाइज उसी तेल में अगर हम बनाते हैं तो हमारे जो झींगे का टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा आएगा। तो मैं पहले अच्छे से निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप। तो वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें, तो देखिए अब मैंने फ्रेंड्स गोल्डन ब्राउन हो जाने पर मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट इसमें डाल दिया। अब इसको दो मिनट तक हम फ्राई करेंगे। उसके बाद ये हमारा पिसा हुआ अनियन है, उसको भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने पिसे हुए कांदे को भी ऐड कर लिया है इसमें। अब इसे भी दो मिनट भूज लेंगे, और उसके बाद हम इसमें टमाटर की प्यूरी जो है यहाँ पे मैंने रखा है उसे भी ऐड कर दो। तो फ्रेंड्स, हमारे जो भी मसाले थे भुज चुके हैं, अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर दूँ। देखिए मैंने अब ऐड कर दिया है, तो दो मिनट और हम भी इसे फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद हम। फ्रेंड्स, आपने देख लिया है मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया है, इसे दो मिनट मैंने भूज लिया है। अब मैं इसमें झींगा ऐड कर रही हूँ, ताकि थोड़ा मसालों के साथ भी हमारा जो झींगा है वो अच्छे से भुज जाए और कोट हो जाए। फ्रेंड्स, ये हमारा झींगा जो है वो फ्राई हो रहा है। अब इसमें हम, पहले से हमने नमक ऐड किया है इसलिए हम अपने अकॉर्डिंग एक चम्मच के आसपास नमक ऐड कर रहे हैं। तो हाफ टेबल स्पून हल्दी, एक चम्मच है चिकन, एक चम्मच चिकन मसाला, तो डेढ़ चम्मच पहले इसमें गरम मसाला ऐड किया है, फिर सारे को मिक्स कर दिया है। एक चम्मच मैंने चिकन मसाला ऐड किया है। अब सारे को मिक्स करके हम दो मिनट तक फ्राई करेंगे, और इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करें। हमारा देख रहे हैं झींगा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे अपनी ज़रूरत। मैंने एक गिलास पानी फिलहाल ऐड कर लिया है, और मुझे थोड़ा और ग्रेवी चाहिए तो इसलिए मैं हाफ गिलास और ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं। मुझे ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं चाहिए इसलिए मैंने इस हिसाब से किया। आपको जैसा लगे आप उसमें कर सकते हैं। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, उसके बाद आपको फाइनल, तब तक हमारा ये झींगा बन जाएगा। Thank you.
फ्रेंड्स हमारा झींगा करी बन के रेडी हो गया है। उसमें हम धनिया डाल देंगे, बन गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स हमारा झींगा करी बन चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। थैंक यू।